डायरेक्टर है ना जो कि ऐसे कमाल के मूवीज लाते हैं ना जिसे देखकर मजा आ जाता है, वैसे ही एक डायरेक्टर है हमारे कॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं एटली कुमार जी, जो कि मूवीज ऐसे लेकर आते हैं ना जो कि लोगों के दिलों में एक अपनी अलग ही जगह बना लेती है। वैसे ही एक बहुत ही बेहतरीन सा मूवी लेके आए थे वो 2016 में, थेरी मूवी, जिस बहुत ही कमाल की मूवी है और एक्शन मूवी है जिसमें विजय सर का रोल काबिले तारीफ है। वो मूवी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में एक अलग सा ही एक जगह बना लिया था, और तो और वो मूवी इतनी कमाल की थी ना कि उसके सारे एक्शन वाले सीन्स काबिले तारीफ थे, और तो और सबसे खास बात उस मूवी की कि उस मूवी के सारे सॉन्ग्स भी बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, हाय दिस इज सपना और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना थेरी मूवी का बहुत ही खूबसूरत सा एक प्यारा सा सॉन्ग, जिसे देखकर आप भी पता नहीं कहीं प्यार की गलियों में खो जाओगे। बहुत ही प्यार भरा सॉन्ग है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इस मूवी का ये प्यारा सा सॉन्ग, और आप देखना उस पर मेरा रिएक्शन और साथ साथ सॉन्ग भी देखना, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। தோன்றும் அதையா
பாவம் பேச பல ஜென்மம் வேண்டும் ஏழு ஏழு ஜென்மம் ஒன்றாக சேர்ந்து உன்னோடு இன்றே நான் வாழ வேண்டும் காலம் முடியலாம் நம் காதல் முடியுமா நீ பார்க்க பார்க்க காதல் கூடதே உன்னாலே என்னாலும் என் ஜீவன் स्टार्टिंग से लेके बेबी तक का जितना भी वो था प्यार वाला सीन था सारे इसमें दिखाए गए हैं जैसे कि इनकी प्यार से शादी से बच्चे से मतलब पूरी कंप्लीट फैमिली वाला जो ये सॉन्ग था ये बहुत ही कमाल का सॉन्ग था और मेरे ख्याल से तो ये सॉन्ग फैमिली रोमांटिक वाले सॉन्ग है और क्योंकि इसमें सामंता और विजय सर का ही प्यार दिखाया है और सामंता और विजय सर और बेबी का भी प्यार दिखाया है बहुत ही कमाल का सॉन्ग था और ये खूबसूरत गाने को गाया है हरिहरन और सेंधावी ने क्या कमाल का मतलब गाना गाया है ना कि एकदम दिल को छू गया वैसे भले मुझे ये लैंग्वेज उतनी नहीं आती लेकिन मैं समझ सकती हूँ गाना बहुत ही कमाल का था इसका जो गाना बजा था ट्रैक वो सब बहुत ही कमाल का था ऑसम था और पिक्चराइजेशन की जो बात करें बहुत ही कमाल की पिक्चराइजेशन थी और बहुत ही कमाल का जो सॉन्ग का एग्जीक्यूशन था बहुत ही यूनिक था कमाल का था और बात करें इस सॉन्ग में लग रहे थे दोनों बड़े ही क्यूट कपल इन दोनों का जो इस मूवी में रोल भी है ना वो भी बहुत ही कमाल का है और जिस तरह से सॉन्ग शुरू होता है ना वो इमोशनल सीन के साथ जैसे वो उनके गले लगती है और फिर वहाँ से गाना चालू होता है वो सीन बहुत ही कमाल का था और सबसे खूबसूरत सा सीन मुझे वो लगा जब सामंता वो म्यूजिक वाला चला रही थी वो सबसे खूबसूरत सा सीन लगा और सबसे अच्छा मुझे लगा कि उनकी वो शादी वाला सीन दिखा रहा था वो भी बहुत ही कमाल का था और उसके बाद जब उन्होंने वो बेबी को जन्म दिया वो भी बहुत ही कमाल का सीन था बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था और उसको बोलते हैं ना कि बहुत ही क्यूट सा एक मोमेंट उसमें दिखाया गया इस सॉन्ग में जो कि बहुत ही कमाल का लगा था और देखा जाए तो इसमें सबसे खास बात यह कि इस सॉन्ग में प्यार का हर एक पल दिखाया गया चाहे वो विजय सर सामंता के साथ हो चाहे विजय सर सामंता उनकी फैमिली के साथ हो चाहे विजय सर सामंता और बेबी के साथ हो हर एक मोमेंट को बहुत ही प्यार से इस वीडियो में जोड़ा गया इस सॉन्ग में जोड़ा गया जो कि बहुत ही कमाल का लगा था और तो और फ्रेंड्स मैंने तो ये वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे ये वाला सॉन्ग का सजेशन दिया था आई एम सो हैप्पी और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट जरूर करना ताकि मेरा कोई सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फटाफट से और तो और हाँ मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं मैं फिर से आती हूँ जल्दी आती हूँ और आप लोगों के लिए बेहतरीन और बेस्ट वाला वीडियो लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।